आज के ऑफिस के खाने का ऑर्डर में भेज था और उसमें बना था राइस, आलू और मटर का भुजिया, कद्दू की सब्जी, दाल फ्राई, बाकी सैलड वगैरह सब रहता है, बटर फ्राई थोड़ा था, अचार रहता है और रसगुल्ला। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आपकी लाइफ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। मैंने खाना इसलिए दिखाया आपको क्योंकि आज का जो खाने का ऑर्डर था वो घर से बनाया, क्योंकि न्यू ईयर है, क्रिसमस था कल, तो इसकी वजह से बहुत जगह छुट्टी भी ऑफिस में चल रही है, तो ऑर्डर्स थोड़ा कम हो गए हैं, तो इसलिए अभी ने सोचा कि घर पर ही बनवा के और पैक करवा के भिजवा देते हैं, तो इसलिए खाना घर पर ही बना, तो इसलिए मैंने दिखाया कि आज खाने का भेज ऑर्डर था और ये सारी चीज़ें बनी थी और बहुत फटाफट बन गई, सारा पैक होकर चला गया है। और अभी जब ऑफिस का काम हो गया है तो मैं घर पे हूँ और मैंने अभी कपड़ा निकाला है आयरन करने के लिए। रोज़ का ड्यूटी है, डेली का काम है ये, तो बस अभी कपड़ा आयरन करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और देखते हैं कि आज का दिन कैसे गुजरता है। वैसे मैंने आज का ये ब्लॉग आफ्टरनून से यही स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ ब्लॉग बनाने का ऐसा प्लान था नहीं, बट मैंने सोचा कि चलो यार एक ब्लॉग बनाते हैं और दिखाते हैं कि पूरा दिन कैसे बीतता है, तो बने रहिए इस ब्लॉग में, जैसे जैसे होगा आगे आगे देखते रहिएगा। चलिए चलते हैं अभी बाहर, टाइम हो चुका है, हम लोग रेडी हैं, बेटा भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ और मैंने ये जो दुर्गा पूजा के टाइम में कपड़ा पहना था वही पहना है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब मैं आपको वहाँ जाने के बाद बताती हूँ। पता है आजकल शूज़ जो होता है ना बहुत कन्वीनियंट हो गया है पहनना, आराम से पहनो, ऐसे भी स्टाइलिश भी लगता है और आपका जो पैर है वो कंफर्टेबल वे में भी रहता है, आप कितना भी चल लो कोई इशू नहीं होता है। तो अभी मैं शूज़ पहन रही हूँ, बस आई एम रेडी, चलिए चलते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे बाहर क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है। अभी का मैसेज आ चुका है कि वो वेट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। काला कारा खेली हो ना तो आप लोगों को पता है 26 दिसंबर है और प्रकाश पर्व का भी मतलब सप्ताह चल रहा है, तो मैंने सोचा चलते हैं, माथा टेक के आते हैं और इतना ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे आया बहुत देर हो चुका है, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया और आप देख सकते हैं खूबसूरती रोड की या फिर गुरुद्वारे की, मतलब बहुत सुकून है, मैं बयान नहीं कर सकती। तो बस थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सुनेंगे गुरुवाणी और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मैं यहीं पर आना चाहती थी और आप लोगों को यही दिखाना था, तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो थोड़ा और इन्जॉय करते हैं यहाँ पर, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से।
सभी लोग यहाँ पे बैठ के बाहर में सुन रहे हैं गुरु जी की बातें, और अंदर शायद बहुत ज्यादा भीड़ है इसलिए ज्यादातर लोग बाहर बैठे हैं। चलिए मैं आपको अंदर का एक बार नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत भीड़ है तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, कोरोना भी है, तुरंत निकल जाऊंगी, लेकिन चलिए आपको एक बार दिखाते हैं। ये मेन है, यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं, लाइन लगा हुआ है जाने के लिए। राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यार ज़्यादा सुकून मिला हो खुली, आपको भी देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा तो जाने का मन नहीं है, बट हम लोगों के घर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। आई थिंक एक घंटे से ज़्यादा लग गया हम लोग आने में, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और इस रोड में तो और भी ज़्यादा। और शाम के टाइम तो नॉर्मली सब ऑफिस से निकलते हैं तो ट्रैफिक हो ही जाता है, तो अभी जाते में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग को यहाँ 1.5 घंटे हो चुके हैं, इसलिए निकलते हैं क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा। यहाँ से ट्रैफिक का क्या सिचुएशन है सब उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, येलो लाइट ही, तो मैंने सोचा यहीं पर आपको सूट करके बताते हैं जब तक लोग सुस्त पहनते हैं। तो चलिए निकलते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम लोगों ने लंगर तो नहीं किया, बट हाँ हम लोगों ने प्रसाद खाया जो कि हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और चलिए अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, देखते हैं ट्रैफिक का क्या हाल होता है। थोड़ी ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले तो बेहतर होगा, वैसे रात हो चुकी है तो ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए। खैर देखते हैं क्या होता है। मेरा बेटा गया है बिस्किट लाने, ये डॉग को खिलाने के लिए। देखिए इतना छोटा है और इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, एकदम आराम से गया है बिस्किट लेने के लिए। चलो उसे दो फाड़ के, डॉगी को दो। अच्छा ठीक है करो, वो तो भाग रहा है। जाओ जाओ जाओ, चला गया, जाओ आजा आजा ला। हाँ अब वो वहां से जाके देखेगा।